सो व्हाट्सअप का स्वागत है आपका हमारी एक नई एक्साइटिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आप एक वीआर हेडसेट्स लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरी देख लेना। मैं आपको बताऊंगा कि आपको वीआर हेडसेट्स लेने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखने होते हैं, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपका फ़ोन वीआर सपोर्ट करता है या नहीं करता, आपको कैसे पता लगाना वो बिना किसी ऐप के, या ऐप से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड बता दूंगा आपको। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा बेस्ट वीआर हेडसेट के लिए, जो ना ज़्यादा महंगा होगा और ना ज़्यादा सस्ता होगा, मिड रेंज के अंदर होगा, 2000 की रेंज के अंदर। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है, आपको अपना फ़ोन पर चेक करना कि आपका फ़ोन मतलब वीआर कंपेटेबल है या नहीं। तो इसे चेक करने के बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ जानना है कि आपके फ़ोन में अगर जायरोस्कोप सेंसर है आपके फ़ोन में, अगर आपके फ़ोन में जायरोस्कोप सेंसर है तो आपका फ़ोन कंपेटेबल है वीआर के लिए। तो अगर आपको पता लगाना है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे फ़ोन में मतलब जायरोस्कोप सेंसर है कि नहीं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, मतलब एक एप्लीकेशन का, वो आपको बता देगा कि आपके फ़ोन में जायरोस्कोप सेंसर है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फ़ोन में जायरोस्कोप सेंसर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जायरोस्कोप सेंसर होता है आप वीडियो 360 डिग्री में देखने के लिए, तो लेकिन आप 3D वीडियोस देख सकते हो बिना जायरोस्कोप सेंसर के। आप आज तक को काफ़ी गेम्स भी ऐसी हैं जो उनसे बिना जायरोस्कोप सेंसर के काम करती हैं। तो अगर आपको गेम्स वीडियो चाहिए बिना जायरोस्कोप सेंसर वाली, गेम्स पे और वीडियोस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो ऊपर एक बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप यस या नो कमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो यस, और नहीं चाहिए तो नो। तो फ्रेंड, जो सेकंड थिंग है आपको वीआर कंपेटेबल चेक करने के लिए, तो आपकी स्क्रीन जो फ़ोन की स्क्रीन है वो कम से कम 720p की। जी हाँ दोस्तों, 720p मिनिमम होती है, लेकिन अगर आप 720p में सोच रहे हो कि मैं एकदम से मतलब हाई एंड गेमिंग कर लूँगा वीआर पे, तो ये नहीं है। पिक्सल्स काफ़ी का अजीब से हो जाते हैं, उसमें फोटो आपको ब्लर से दिखे। अगर तो मिनिमम मैं आपको बताता हूँ 720p, अगर रिकमेंडेड तो 180p, अगर 2K और 4K वीडियो है तो बस आपको पूरा अच्छा एक्सपीरियंस आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, आप 720p में भी कर सकते हो, और ये चेक करने के लिए भी सिंपल, आपको उनसे एप्लीकेशन नीचे दे रखी है, वहाँ से चेक हो जाएगा। और थर्ड चीज़ है एक्सेलरेटर सेंसर। ये सेंसर हर किसी फ़ोन में होता है, अगर आपको चेक कर रहा है तो नीचे एप्लीकेशन आपको दे ही रखी है, जो उनसे नीचे एप्लीकेशन दिया मैंने वो सभी के लिए तीनों चीज़ें आपको बता देगी कि आपके फ़ोन में वो है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगली बात हमारे पास ये आती है कि जब आप एक वीआर लेते हैं तो सबसे पहले उसकी बिल्ड क्वालिटी चेक कर लें कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या उस पर स्क्रैच तो नहीं। अगर बाहर स्क्रैच हो तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन आपको शो के लिए चाहिए तो देख लेना। बाकी सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आप उसके ये खोलिए, उसके उनसे लेंस होते हैं यहाँ पे, जिसे देख पा रहे हो आप लेंस हैं, इस लेंस में से देखिए क्या इस लेंस में स्क्रैच तो नहीं है। जैसे आप ये लेंस पे देख पा रहे हैं, इस लेंस में काफ़ी सारे स्क्रैचेज हैं, तो ये काफ़ी पुराना चुका है। तो देख लेना कि आपको अगर आपको एक भी स्क्रैच दिखे तो उसको मत लेना, क्योंकि एक स्क्रैच से मैं आपको बता नहीं सकता कितना फ़र्क पड़ जाता है एक स्क्रैच से। और अगली बात आपको ध्यान रखनी है उससे कि एक्यूप्रेशर के लिए ये होते हैं जिससे आपके अपना फ़ोन पेस्ट कर देते हैं, ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं, आपका फ़ोन इसके अंदर फिट आ रहा है कि नहीं। ज़्यादातर जो उनसे वीआर होते हैं वो 6 इंच के लिए होते हैं। और स्ट्रैप देख लेना, क्योंकि कईयों में स्ट्रैप नहीं होता तो काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे जो उनसे MI के वो आते हैं हेडसेट्स, उनमें स्ट्रैप नहीं दिया होता और उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो जो उनसे आप देखें कि स्ट्रैप साथ में होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। उसकी अगली बात आपको एक और ध्यान में रखनी है, वो ये कि यहाँ पे स्पेस ज़रूर हो, या हेडफोन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ हेडफोन नहीं है तो यहाँ पर स्पेस ज़रूर हो, क्योंकि अगर यहाँ से बंद होगा तो वॉल्यूम जो उनसी होगी आप तक नहीं पहुँच पाएगी, जो उनसी वॉल्यूम होगी वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उनसे ज़्यादातर लोग गलतियाँ कर लेते हैं, लोग क्या देखते हैं जैसे अमेज़ोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे 300-300 रुपये के हेडसेट्स मिल रहे होते हैं, पता नहीं कंपनी उनसे कभी नाम भी ना सुना, या अगर सुना भी है तो 300-300 के हेडसेट्स लेते हैं, बेकार होते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं होते। कई लोग आपको, कई चैनल आपको दिख जाएंगे, वो आपको कहेंगे कि एंट्री लेवल के लिए 300 का ले लेते हैं। एंट्री लेवल के लिए क्या लोग भाई, उसमें बिल्कुल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आता। अब मैंने कार्बन का फ़ोन लिया था, उसके साथ मेरे को एक वीआर मिला था, ये वाला वीआर आप देख पा रहे हो, तो ये वीआर बिल्कुल बेकार है, लेंस इसके स्क्रैच थे पहले ही फ़ोन के अंदर से, स्क्रैच थे और बिल्कुल अच्छा नहीं है ये, एंट्री लेवल के कुछ नहीं होते। तो फ्रेंड्स, अगर आप गूगल कार्डबोर्ड भी लेने की सोच रहे हो, 150 रुपये का आता है कार्डबोर्ड शेप का, तो वो भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे पाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आयरस का मॉन्स्टर का एक वीआर आता है, काफ़ी अच्छा वीआर है, अगर उसकी अनबॉक्सिंग आपको इस हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगी, मैं उसको लेने की सोच रहा हूँ, एक बार ही रिव्यू कर दूंगा। वैसे मैंने देख रखा है, काफ़ी लोगों के रिव्यू देख रखे हैं, पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव व्यू बहुत ज़्यादा कम है, लोग ऐसे डाल देते होंगे,
तो काफ़ी अच्छा वीयर है वो वाला, उसके अंदर आपको लेंस की क्लियरिटी पूरी अच्छी मिलेगी, साथ में आपको एक रिमोट भी मिलता है। विदाउट रिमोट ले रिमोट के साथ लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर आपके फ़ोन के अंदर जायरोस्कोप सेंसर नहीं है तो रिमोट काफ़ी अच्छा काम कर देता है। रिमोट जायरोस्कोप सेंसर के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आपके फ़ोन में जायरोस्कोप सेंसर नहीं है तो आप रिमोट से भी काम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और देर से वीडियो नहीं आ पा रही थी उसका कारण था ये, अगर आपने गेस कर लिया ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। मैंने एक नया व्लॉगिंग चैनल शुरू करा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें वीडियोस डालनी, दो तीन वीडियोस डाल चुकी हैं मैं, डाल दिया मैंने उसमें। तो व्लॉग्स में काफ़ी टाइम लगता है एडिट करने में, सबसे ज़्यादा बहुत टाइम लगता है। टेक वीडियोस तो जल्दी जल्दी कर देते हैं, आधे दो घंटे पूरी वीडियो बन जाती है पूरी डल डुल के, लेकिन व्लॉग्स में तो एक ही दिन चला जाता है। तो वो मेरे चैनल को सपोर्ट करना, काफ़ी अच्छी वीडियोस डालता हूँ, इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। तो इसकी आज की वीडियो में इतनी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आपको पता है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना है, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना।